हेलो स्टूडेंट्स, आप इसमें देख पा रहे हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये दोनों ही बॉल और इस फॉर्म के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन है, जिस कारण से एक दूसरे से दूरी बना दिया हुआ है। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है। इसका मतलब ये दोनों इसके बीच में और इसके बीच में चार्ज अपोजिट है। इसको बीच में रख दे, फिर एक दूसरे को दूर कर लें। फोर्स ऑफ रिपल्सन है। मैं देखिए इसको यहां देखिए, ये दोनों स्ट्रिंग के बीच में डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। इसके पीछे का भी रीजन यही है। इस पर जो चार्ज है, जैसे तो इस पर कौन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज टच करने के कारण इस पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इस थ्रेड पे भी जो है नेगेटिव, और इस पर भी नेगेटिव चार्ज हो रहा है, जिसके कारण अब फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है। देखिए इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। फिजिक्स में ये सब पढ़ेंगे, इसी क्वेश्चन में ढाल करके हमसे हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फिजिक्स इसके पीछे क्या हो रहा है उसको समझेंगे, तभी हम इसका क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है सिंगल चार्ज, डिसिंगल चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो सिंगल चार्ज के बीच में चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।